हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं आगे और हम बनाने वाले हैं असाइन स्टेटस वाला पेज। तो मैं एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ। टेम्पलेट्स में जाके राइट क्लिक करके मैं एक HTML फाइल बना दूँगा न्यू पे जाके। तो मैंने इसका नाम दे दिया असाइन स्टेटस या फिर एडिट स्टेटस, जो भी नाम देना हो। तो मैंने नाम दे दिया असाइन स्टेटस .HTML। ओके एंड इस पेज पे हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कोई फॉर्म हमें बनाना है इसमें। ठीक है, तो एडमिन का जो होम पेज है वो कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, या फिर हम करते हैं पेंडिंग नोट्स वाले पेज को कॉपी कर लेते हैं। तो असाइन स्टेटस के अंदर आके पेंडिंग नोट्स वाले पेज को कॉपी कर लिया। टेबल तो मुझे इसमें नहीं बनाना है, तो ये टेबल पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असाइन स्टेटस। असाइन स्टेटस, चेंज स्टेटस, जो भी आपको लिखना हो हेडिंग स्टेटस। ओके, अब मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो मैं फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। स्मॉल लेटर्स में लिखता हूँ FORM, कैपिटल भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, फॉर्म का मेथड यूज़ कर लेते हैं पोस्ट। एंड उसके अलावा फॉर्म के अंदर आके मैं यहाँ पे लेबल का यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं ID दिखाना चाहता हूँ कि जो नोट्स है उसका ID क्या है, जिसको हम एडिट कर रहे हैं उस नोट्स, उस रिकॉर्ड का ID क्या है। तो मैं लिख दिया नोट्स ID। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हो। इनपुट क्या है, टेग है, और टाइप एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट उसकी वैल्यू है। ओके, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, एंड इसका कुछ नाम दे देंगे। नाम में दे दिया ID, या फिर ID दे देता हूँ सिंपल, नोट्स ID, ID जो भी देना हो ID दे दिया। एंड देन आफ्टर, ठीक है, नोट ID रख लेते हैं कहीं पे। वो हो सकता है कि ID जो कीवर्ड, ID क्या है, कीवर्ड भी है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो मैं नोट्स ID, नोट ID जो भी देना हो दे सकते हैं हम। ओके, इसके अलावा फॉर्म कंट्रोल में यहाँ पे क्लास यूज़ कर लेता हूँ, ताकि ये फुल विड्थ का हो जाए, फॉर्म माइनस कंट्रोल। ठीक है, नोट्स ID हो गया। उसके बाद मुझे एक ड्रॉप डाउन बनाना है। ठीक है, ड्रॉप डाउन में हम कुछ ऑप्शन दे देंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन दे देंगे। ओके, तो मैं एक और लेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। लेबल ओपन कर लिया, लेबल को क्लोज कर लिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटस। देन आफ्टर मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है, तो सेलेक्ट टेक को मैं यूज़ कर लूँगा। सेलेक्ट ओपन कर लिया, सेलेक्ट को क्लोज़ कर लिया, और इसका भी मैंने नाम दे दिया। इसका नाम मैं दे देता हूँ स्टेटस। एंड इसमें भी क्लास यूज़ कर लेते हैं फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म माइनस कंट्रोल। ओके, एंड इसके अंदर जो ऑप्शंस देने हैं, तो ऑप्शन टेक को यूज़ करेंगे। ऑप्शन को ओपन किया, क्लोज़ किया, एंड इसके अंदर हम वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो पहली वैल्यू दे दी एक्सेप्ट, और यहाँ भी लिख दिया एक्सेप्ट। और यहाँ मैं लिख देता हूँ रिजेक्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट। ठीक है, मतलब आपके जो नोट्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो और कोई भी इसको डाउनलोड नहीं कर पाएगा, किसी को ये शो नहीं होंगे। ओके,
तो इतना करने के बाद एक बटन भी बनाना पड़ेगा क्योंकि डेटा को सबमिट भी करना है। तो एक ब्रेक लगा देते हैं और एक बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। बटन मैंने बना दिया सबमिट टाइप का, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, एंड वैल्यू जो बटन पे लिखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ बटन पे सबमिट ही लिखा हुआ आ जाए। ओके, इतना करने के बाद अब मुझे इस पेज को ओपन कब करवाना है, जब कोई असाइन स्टेटस पे क्लिक करेगा, मतलब एक लिंक हमें यहाँ बनाना है। यहाँ पे ये डिलीट हटाते हैं और यहाँ पे असाइन स्टेटस लिखते हैं। तो हम आते हैं वापस पेंडिंग नोट्स पर। पेंडिंग नोट्स पे आके मैं यहाँ पे डिलीट नोट्स की जगह क्या लिख देता हूँ, असाइन स्टेटस। तो ये हमने यूआरएल पैटर्न बता दिया, आईडी यहाँ पास कर दिया, बटन में कलर वगैरह जो भी देना हो आप दे सकते हैं। बटन डेंजर ना लिखते हुए यहाँ पे मैंने कर दिया बटन सक्सेस। ओके, एंड ऑन क्लिक, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे ऑन क्लिक को, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असाइन स्टेटस। असाइन स्टेटस भी लिख सकते हैं या फिर एडिट भी लिख सकते हैं। ओके, इतना करने के बाद अब हम आते हैं urls.py में। यहाँ पे जैसे हमने ये डिलीट यूज़र्स लिखा है उसी तरह मैं इस लाइन को कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ असाइन स्टेटस। अब मैंने क्या किया, आईडी पास किया, इसीलिए मैंने इसको कॉपी किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटीजर पैरामीटर रिसीव करना है, आईडी को रिसीव करना है। तो मैंने लिखा असाइन अंडरस्कोर स्टेटस, ठीक है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, PID, ठीक है, पैरामीटर आईडी मैंने नाम दिया है। एक इंटीजर वैल्यू, मतलब जो रिकॉर्ड का आईडी है वो हम रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो इतना करने के बाद हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं असाइन स्टेटस नाम का। तो views.py के अंदर आते हैं और मैं कॉपी करता हूँ किसको, इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसमें पैरामीटर दो हैं। ओके, ठीक है, मुझे दो पैरामीटर चाहिए क्योंकि आईडी भी तो मुझे रिसीव होगा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ असाइन अंडरस्कोर स्टेटस। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मुझे नोट्स को गेट करना है। नोट्स को मैंने गेट कर लिया, और डिलीट नहीं करना, हमें तो अपडेट करना है। ठीक है, तो पहले तो इतना लिखते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आगे का कोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि मेरा जो माइक है वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि वॉइस गड़बड़ हो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।